वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम ये वाली बुक देखते हैं, बिलीव योर ड्रीम। देखें इसमें क्या है। ओह, ये तो बुक नहीं है, ये तो बॉक्स है। चलिए आज बुक बॉक्स बनाएंगे हम। ये नाप के हमें सभी 2-2 पीसेस चाहिए। कार्डबोर्ड के हमने 2-2 पीसेस लिए हैं और ये हमें सिंगल पीस चाहिए। यहाँ पे हमने 1.5 सेंटीमीटर पे 3 तरफ निशान लगा लिया है, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। किनारे से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी ली है और उसके ऊपर हमने निशान लगा दिया। और अब हम इस पे ग्लू गन की हेल्प से ये गत्तों को चिपका रहे हैं। हमने 3 साइड जगह छोड़ी थी और चौथी साइड हमने जगह नहीं छोड़ी है। चौथी साइड ये वाली है। यहाँ से हम दूसरा गत्ता रख के जॉइंट करेंगे। तो इस पर हम पहले फेविकोल अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसके वो पेपर से हम जोड़ देंगे। अगर आपके पास चौड़ी वाली पेपर टेप है तो वो डायरेक्ट वो भी लगाई जा सकती है, तो और भी ईजी हो जाएगा। ये जो सिंगल साइज़ का पेपर लिया था हमने, वो ये वाले पेपर को राउंड कर लिया हल्का सा हाथ से घुमा घुमा के। और जो चौथी साइड थी जिधर हमने जगह नहीं छोड़ी थी, उस साइड में हम इसको चिपका देंगे। तो ये हमारा चौथी साइड में हल्का सा कर्विंग ये चिपका दिया हमने, जो इसकी क्लोज साइड है। अब धीरे धीरे करके हम सभी जगह पे वाइट पेपर चिपका के इसको ढक देंगे। जब ये पूरी बन जाती है तो बहुत सुंदर लगती है। आप इसको किसी भी पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। ये ढकने से सारे कार्डबोर्ड के जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं और अच्छा सेफ हो जाता है, चिकना भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 पेपर टेप लगा दी हैं, इससे ये थोड़ा मज़बूत और ज़्यादा हो जाएगा। पहले मैंने ग्लू गन लगाया था और अब मैंने टेप लगा दी। अब ये अंदर बाहर दोनों साइड ये मैंने एक लंबी पट्टी काट ली है और उसको मैं अब चिपकाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये नाप के अनुसार मैंने फोल्ड करके इसको तैयार कर दिया और इसके अंदर चिपका दूंगी मैं। इससे पूरा कार्डबोर्ड और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाता है पेपर चिपकाने से। अब ये मैंने चॉक पाउडर को गम के अंदर घोल लिया है और उसका एक ये लोशन बना के मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप इसमें मार्वल पाउडर और फेविकोल घोल के भी लगा सकते हैं। सिरेमिक पाउडर और
फेविकोल घोल के भी लगा सकते हैं, इस तरह से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अभी मैंने कंघे की सहायता से इसमें लाइनिंग्स डाल दी हैं, जैसे हमारे पेजेस का इफ़ेक्ट होता है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये पेजेस का इफ़ेक्ट डाल दिया हमने इस तरह से, ये लगा के। इसमें आप कंघे से भी कर सकते हैं, अगर कंघा नहीं है कोई इस तरह का यूज़ करने के लिए तो चाकू की नोक से भी निशान लगाए जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये पेंसिल की हेल्प से हमने निशान लगा लिया है बराबर दूरी पे, और ये हम ऊपर नीचे बराबर दूरी छोड़ते हुए यहाँ दो लाइनें खींच ली, ऊपर दो नीचे खींच ली, और इसके ऊपर जो है ये मार्बल पाउडर और फेविकोल का थोड़ा कड़क वाला पार्ट बनाया हुआ है ये यहाँ पे चिपका दिया। ये लगाने के बाद थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 5-6 घंटे के बाद जब ये सूख जाएगा तब उसके बाद हम इस पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि अभी ये गीला है, अगर तुरंत काम करेंगे तब ये ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी गीली हैं, इसको हाथ से दबा देंगे तो ये एक पट्टी सी बन जाएगी। अब ये सूख चुका है, इस पर जो है अब हमने जो है पेपर चिपकाना है। तो ये देखिए इसमें ये मेरे पे क्राफ्ट पेपर्स हैं, ये वाला पेपर लेके इस साइज़ का मैं कट कर लूँगी। ये मैंने इसका साइज़ का कट करके इसके ऊपर मैं इसका डेको पेज करूँगी। पहले मैं ये ग्लू चिपका के इसके ऊपर इसको लगाऊंगी और सेंटर से बाहर की तरफ को प्रेस करते हुए सारे सेल निकाल दूंगी। ये मैंने पेपर टेप लगा दी है। अब मैं जो है पहले यहाँ का काम कर रही हूँ, बैक साइड में मैंने ये बैक साइड में थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट दे रही हूँ। ये अब ये जैसे लगाया है इसके थोड़ा सूखने के बाद फिर आप नेक्स्ट काम करेंगे टर्न करके। ये ब्लैक ये चिपका दिया, ये ब्लैक से मैं ये कॉर्नर्स बना दूंगी। ये एक्रेलिक पेंट यूज़ किया जा रहा है, ब्लैक एक्रेलिक पेंट ब्लैक कलर में, लेकिन मैंने थोड़ा सा बर्न साइना और ब्लैक दोनों मिक्स करके किया है, पूरा ब्लैक नहीं है ये। और जो आगे की तरफ बाहर निकला हुआ 1.5 सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसको भी मैं इसी कलर से कलर कर दूंगी। अब जब ये कलर हो गया और सूख जाएगा तो सूखने का वेट करना है थोड़ा, और सूखने के बाद क्योंकि पुरानी बुक का इफ़ेक्ट दे रहे हैं हम, ओल्ड बुक में पेपर्स के कॉर्नर्स कटे हुए होते हैं तो ये हम सैंड पेपर की हेल्प से इनको काट रहे हैं, इसमें बारीक पाउडर जैसा घिसने पर निकलेगा। और जो ये ब्लैक कलर है ये भी हमें थोड़ा सा छोटा छोटा सा दिखाना है, एकदम पूरा नहीं दिखाना है, इसलिए हमने इसके ऊपर सैंड पेपर कर दिया, जिससे थोड़ा हमारा पेंट रहेगा थोड़ा छूट जाएगा, इससे हमारा ओल्ड लुक आ जाता है। इस तरह से हमने जगह जगह सैंड पेपर की हेल्प से ब्लैक कलर को छुटा दिया है। अब मैं इसके ऊपर ये ग्लू अप्लाई कर रही हूँ, और ये ग्लू अप्लाई करने से ये फ़ायदा होता है कि अब जो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट कलर करूँगी तो पेपर जो है एकदम कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हम डायरेक्ट कलर अभी इसके ऊपर जब दूसरा करते हैं तो उससे क्या होता है, कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अब ये पेजेस के यहाँ पे मैं बर्न साइना कलर को मैंने थोड़ा पतला कर लिया है। बर्न साइना में हल्का सा ब्लैक डाल के थोड़ा डार्क शेड करके पानी ज़्यादा मिलाया है, पतला कर लिया है। और अब जो है मैं इसको वेट टिश्यू पेपर से साफ कर रही हूँ धब्बेदार बनाने के लिए। कलर का ब्रश करेंगे, ये कर ब्रश से करें या फोम से करें। अब ये किनारे किनारे जो है ये सब जगह मैं ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा डार्क शेड दे रही हूँ। इस तरह से यह मैंने कर दिया। अब ये गोल्डन कलर मीडियम में मिला के मैंने तैयार किया है। और ये जो मैंने पट्टी लगाई थी इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ। गोल्डन डस्ट थी उसको मैंने मीडियम में मिलाया था। और इन कॉर्नर्स पे भी मैं हल्का सा हाथ से लगा दूँगी। हाथ से लगा सकते हैं या ड्राई ब्रश से थोड़ा सा लगा सकते हैं, बहुत हल्का सा लगाना है। बिलीव इन योर ड्रीम इसके ऊपर मैं ने गोल्डन कलर करके इसके पीछे फेविकोल लगा के इसको भी चिपका दिया है। और इस पेपर पे मैंने ये ड्रॉ करा है। ये कैरोगेटेड पेपर मैंने कार्डबोर्ड के बीच में से निकाल लिया है और इसके ऊपर ये शेप ड्रॉ करके बुक का नाम लिखा है और ये इसके ऊपर चिपका दूंगी। और उससे पहले मैं इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन शेड कर देती हूँ, वाइट नहीं रखना है इसलिए हल्का सा मैंने बर्न साइना में पानी मिला के पतला कर लिया और उसको इस तरह से पेंट करके इस कैरोगेटेड पेपर के ऊपर चिपका दूंगी। और इस तरह से ये हमारी बुक के पीछे लग जाएगा, ये देखिए। और हमारी ये बुक बनकर तैयार हो गई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग भी इसको बना के कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।